behind closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, this is Aniket from BSW and आज अपन एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है कि इंट्राडे में आप कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं और उसमें आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, इंट्राडे में मेन है ना, कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। एक होता है आपका स्टॉक सिलेक्शन होता है, स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपका होता है पेशेंस चेक होती है, इसमें पेशेंस आप में होनी चाहिए और साथ ही साथ होता है कि आप आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है एंट्री और एग्जिट की, और मेन आता है साइकोलॉजी। और आज अपन सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बाकी तीन पॉइंट्स के ऊपर अपन आगे दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का पॉइंट है साइकोलॉजी। इंट्राडे में आप साइकोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने और उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए। इंट्राडे एक ऐसी चीज है, देखो जिन लोगों को पता नहीं है इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में ऐसा होता है कि लाइक सपोज आप रिलायंस में 100 क्वांटिटी आज बाय कर रहे हो, तो आज आपको 3:15 से पहले आपको पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ेगी, यानी जो बाय किया है आपने उसको आपको सेल करना पड़ेगा 3:15 के पहले, या तो फिर 3:15 बजे ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर सेल कर देगा अगर आपने वो ऑर्डर इंट्राडे के लिए लगाया होगा तो, या लेवरेज लेके लगाया होगा तो। सो बेसिकली क्या होता है कि इंट्राडे में आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। शॉर्ट सेल का मतलब है अगर आपके पास बाय किए हुए नहीं है स्टॉक्स, आपके पास बाय किए हुए नहीं है तो आप उनको फिर भी सेल कर सकते हो, फिर उनको प्रॉफिट बुक करने या लॉस बुक करने के लिए आपको बाय बैक करना पड़ेगा, समझे। लाइक अगर आपने कुछ सेल किया है, जैसे आप बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट बुक करने सेल करना पड़ता है, सिमिलरली अभी आपने सेल किया है आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको बाय बैक करना पड़ेगा उसको। तो बेसिकली ये होता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपको 5x लेवरेज मिलता है कैश मार्केट में। अब इंट्राडे में साइकोलॉजी को अपन कैसे संभाले सो दैट वी कैन बी कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल। साइकोलॉजी आपको संभालनी है इंट्राडे में, तो उसमें मेन आता है सबसे पहले कि आप दिन में एक या दो से ज्यादा ट्रेड मत लें, दो ट्रेड इनफ होती है इन दिन में। सपोज आप दो ट्रेड्स करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको वो लेके मार्केट बंद करके निकल जाना चाहिए वहां से। इन शॉर्ट मार्केट बंद कर दो, अपनी नजरों से दूर कर दो, दो ट्रेड्स लेने के बाद ऐसा कर देना बेटर रहेगा। दो ट्रेड्स लेने के बाद क्या होता है कि सपोज दो ट्रेड्स आपने ले लिए, आप नेट प्रॉफिट में आ गए, तो फिर क्या लालच आ जाती है कि मैं तीसरा भी ट्रेड लूं, चौथा भी ट्रेड लूं। फिर उस चक्कर में आपने जो दो ट्रेड्स में कमाया होगा वो भी आप गवा देंगे। इनफैक्ट मैं तो काफी लोगों को ऐसे कहता हूँ, काफी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं ऐसे कहता हूँ कि आप अपना पहला ट्रेड लेते हो, फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करो, अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है आपको तो आपको सेकंड ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सेकंड ट्रेड आप ले सकते हो, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन सेकंड ट्रेड तभी लेना चाहिए जब आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके स्ट्रेटेजी स्टॉक सिलेक्शन सबके बेसिस पे अगर आपका स्टॉक बैठ रहा है बाय या सेल करने के लिए तो आपको सेकंड पोजीशन लेनी चाहिए। सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन कभी नहीं लेनी चाहिए, भले फिर जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो। हाँ, लेकिन आप डिलीवरी के लिए ले सकते हो उस दिन, डिलीवरी मतलब अगले दिन या कुछ टाइम होल्ड करने के लिए आपको लेना है तो आप उस दिन ले सकते हो दो स्टॉक्स के बाद भी। तो बेसिकली दो स्टॉक से ज्यादा कभी नहीं लेने। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी साइकोलॉजी में, मेनली पेशेंस बहुत मैटर करता है। आप साइकोलॉजी आपकी अच्छी है पेशेंस हैंडल करने में तो आप प्रॉफिटेबल इजीली बन जाओगे। कोई कोई लोग होते हैं जो ओपन पोजीशंस लेने के बाद काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफी वो हो जाते हैं कि क्या कर लिया, नीचे जा रहा है प्राइस, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज उनका हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन अच्छा ना रहा हो या मार्केट वोलेटाइल ना हो, ऐसे बेसिक काफी रीजंस हो सकते हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाया, हाँ इंट्राडे में टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको कंपलसरी लगाना है। टारगेट आपको क्या है कि लाइक टारगेट अगर चलो आप नहीं भी लगा दे तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको मैंडेटरीली लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे काफी वॉलेटाइल हो सकता है। कभी आपका स्टॉप लॉस आप मन में लगा के रखो लेकिन हो सकता है उसके भी नीचे प्राइस चला जाए एक सेकेंड में, फिर आपको ज्यादा लॉस बुक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के रखो, वो बेटर रहेगा। सो बेसिकली अगर आप अपनी पेशेंस को हैंडल करते हो तो आपको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के आपको भूल जाना है, हो सके उतना आपको अवॉइड करना है, देखना कि क्या हो रहा है, फिर टारगेट या स्टॉप लॉस हिट थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखना है कि टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं। काफी बार ऐसा भी होता है कि मार्केट खत्म होते होते नाइदर टारगेट हिट होता है नॉर स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन कोई बात नहीं है इतना उस चीज में क्या, जितना आप देखना अवॉइड करोगे ना उस चीज को उतना आपको फ्रस्ट्रेशन कम चढ़ेगी। तो पोजीशन लेने के बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको ज्यादा देखना नहीं है आपकी पोजीशन को, हो सके तो 15 मिनट में एक बार, आधे घंटे में एक बार ऐसे देखोगे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं चढ़ेगी, पेशेंस रखने की आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली इंट्राडे अच्छा है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर आप
स्टेक रहते हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्या मीडियम वॉलेटाइल होते हैं, आपको मूवमेंट दे सकते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कुछ ना कुछ तो वो हिट करवा ही देते हैं मोस्टली। सो बेसिकली इंट्राडे काफी इजी है, लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए, साइकोलॉजी, स्टॉक सिलेक्शन, स्ट्रेटेजीज एंड एक्सेट्रा, ये मैटर्स ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं इसमें। और कंसिस्टेंसी आप में तब आएगी जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी है। सो बेसिकली आपको साइकोलॉजी पे पहले कवर अप करना है, साइकोलॉजी आपकी डेवलप करनी है। साइकोलॉजी के ऊपर इतना ही। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूँ, ऑथराइज पर्सन हूँ शेर खान का, एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पे सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या न्यू ट्रेडर्स हैं, बिगिनर ट्रेडर्स हैं, सारे के सारे मिलके एक ग्रुप में एक डिस्कशन ग्रुप होगा। डिस्कशन ग्रुप जो होता है ना ट्रेडर्स का, उसमें लाइक आप क्या कर सकते हो, दूसरे ट्रेडर्स की हेल्प ले सकते हो, फिर जैसे जैसे आपको नॉलेज गेन होगा तो आप भी दूसरों को हेल्प कर सकोगे जो न्यू आएंगे। और बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चाहिए तो आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप एक्टिवली ट्रेड करोगे शेरखान के अंदर। शेरखान के अंदर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा हमारे अंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है आपका तो आप मेरे को क्लाइंट आईडी आपकी भेज दो, मैं आपको आपका ऑब्जर्व करूंगा आपका टर्नओवर कैसा है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल कम ट्रेडिंग करते होंगे तो फिर आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आपको कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है नॉमिनल ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको कोर्स मिल जाएगा विद इन अ वीक, एंड उसके बाद आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, फिर आप एक दूसरे ट्रेडर से डिस्कस करके अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फोन नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट ओपन होने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे आपकी क्लाइंट आईडी भेज दो, फिर मैं आपको ऑब्जर्व करना चालू करूंगा। जैसे आपकी क्लाइंट आईडी आती है मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं नॉर्मल जो सिग्नल्स एंड कॉल्स आते हैं वो आपको उधर भेजना चालू कर दूंगा। उसके लिए आपको जरूरी नहीं आप ट्रेडिंग करो या नहीं करो, आपकी क्लाइंट आईडी जैसे ही मेरे पास आएगी मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, फिर आप मैं ऑब्जर्व करूंगा कि आप एक हफ्ते तक कैसी ट्रेडिंग करते हो, तो वो आपके ऊपर है। आप जरूरी नहीं है कि आप मेरी कॉल्स पर ट्रेड करो, आप खाली ट्रेड करनी चाहिए एक्टिवली, फिर आप खुद के कॉल्स पे करो या कैसे भी करो, दैट डजंट मैटर टू अस। ओके सो सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, और हो सके उतने अपने फ्रेंड्स एंड पहचान वालों को शेयर करो जो ट्रेडर्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं, घुस चुके हैं ये, क्योंकि ये चैनल आप सबके बहुत कम आने वाली है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।